समूचे भारत में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी है। इसी बीच स्कूलों के बच्चों में उत्साह भी चरम पर था। प्रभु राम की भक्ति में बच्चे खोए हुए दिखाई दिए। माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी के स्वरूप में बच्चों ने उत्साह दिखाया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फेम गुरुकुल स्कूल जो है यहाँ पर एक आयोजन चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे श्री राम बने हैं, कोई सीता तो कोई लक्ष्मण, हनुमान जी से लेके यहाँ पे हर किरदार हमें रामायण का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं इन किरदारों में। बेटा आपका नाम क्या है? चिंटू जी। तो आप राम जी बने हो? या। कैसा लग रहा है आपको राम जी बनकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप हमारे जो राम जी बने हो आप, तो आप कुछ बताओगे राम जी के बारे में? हाँ। राम जी, आप राम जी बने हो ना, तो आपको राम जी के बारे में पता है? हाँ। बता दो। राम जी ने रावण को मारा था। राम जी ने रावण को मारा था, ठीक है। बेटा आप सीता बनी हो, आप बताओगे आपका नाम क्या है? नायरा। नायरा, तो नायरा आप जैसे सीता बनी हो, कैसा लग रहा है सीता बनकर आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में हो? LKG में हो। तो जैसे कि देख रहे आप यहाँ पे नर्सरी से लेके LKG तक, UKG, हर यहाँ पे छोटी से छोटे बच्चे से लेकर जो PG से है और फर्स्ट बड़े बच्चे भी हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सीता और जो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे जो लग रहे हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं देखने, जिसकी कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो बड़ी क्लास के भी जो सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी बने हैं यहाँ पे। तो आपका नाम क्या है? कनक गुप्ता। कनक, जैसे आप राम जी बनी है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। आप कुछ बताएंगे राम जी के बारे में? राम जी 14 वर्ष वनवास रह के आए थे, फिर जब वो आए थे तब उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई थी, ठीक है। तो आज तो दूसरी दिवाली मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, दूसरी दिवाली मनाई जा रही है। ये अयोध्या में जो मंदिर है वो उसके लिए बनाई जा रही है दूसरी दिवाली, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। यस। तो आप खुश हैं कि राम जी आ रहे हैं वापस? खुश है। आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आपको कोई राम जी का गाना आता है? हाँ थोड़ा बहुत। तो आप सुनाएंगे मुझे? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो देखा यहाँ पे बच्चों में इतना उत्साह है और इतनी उमंग है कि बस वो राम जी के होना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक हनुमान जी भी हैं, आप बताएंगे हनुमान जी के लिए? आपका नाम क्या है? आराध्या गुप्ता। आराध्या, तो आप हनुमान जी बनी है, तो आप जो उन्होंने पर्वत उठाया था क्या आप उठा सकते हो? कैसा लग रहा है राम जी आपको हनुमान जी बनकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों में कितना उमंग है और कितनी वो खुश हो रहे हैं कि उन्हें राम जी और सीता माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।